अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मैंने सोचा आज कुछ बातें हो जाए इधर उधर की। वैसे तो सब लोगों की मेमोरीज होती हैं, अच्छी बुरी डजंट मैटर, क्योंकि गम के बाद भी खुशी आती है और खुशी के बाद भी गम मिलता है। आज मैं अपनी अच्छी बुरी यादों की बुक में से अपने स्कूल टाइम का एक पेज खोलूंगी। काश डोरेमोन वाली टाइम मशीन पास होती, काश वो वक्त वापस आ जाए। लेकिन फिर क्या करें, अगर इंसान की ज़िंदगी में ये काश और अगर पूरा हो जाए तो बिगड़े क्या। खैर, साथ हम बनाते हैं चिकन पुलाव विद आलू। आज जुम्मा है। जब स्कूल लाइफ में स्कूल से आते थे तो अम्मी पुलाव बनाकर रखती, वो दिन वो लम्हे हाय बहुत याद आते हैं। अच्छा तो बात है उस वक्त की, जब 5 क्लास से 6 क्लास में पहला कदम रखा था। नए नए चेहरे थे, मानो सभी एक दूसरे को ऐसे देख रहे जैसे कि सब अजूबे। लेकिन ये तो मुश्किल से थोड़ी देर की बात थी। बातें हुई और ज़िंदगी के इस हसीन सफ़र में नए साथी मिले। अच्छा, इस क्लास में आने की एक अहम खुशी ये भी थी कि अब हम पेन से काम करेंगे। इस खुशी की अहमियत उस वक्त कोई बयान नहीं कर सकता। चलो जी, बातें करते करते मसाला ऑलमोस्ट रेडी हो गया। सबको वॉश करके कटिंग कर ली, चावल निकाले, वैसे तो साफ होते फिर भी चेक कर लिया। चिकन को वॉश करके सिरका लगाया, दही में सारे मसाले डालकर मैरिनेट कर लिया। अच्छा, वो मेरे साथ हुआ ऐसा था कि 6 क्लास में जिस लड़की के साथ लड़ाई हुई वो आज मेरी बेस्ट फ्रेंड है। और लिटरली अब वो बस एक ही पुरानी दोस्त है जिससे आज भी वैसे ही बात करने को दिल चाहता, और हम करते हैं। अपने न्यू टीचर से मिले, कुछ पसंद आए, कुछ के पीरियड की जब बेल बजती तो मुंह बन जाता। और हमारी क्लास थी टॉप फ्लोर पे, इतनी सीढ़ियां चढ़कर जाना पड़ता। लेकिन बेस्ट पार्ट इसका ये था कि हमें सबसे पहले असेंबली से जाने को कहा जाता, और रास्ते में स्कूल खाली होने की वजह से खूब एक दूसरे को तंग करते। फिर आहिस्ता आहिस्ता वक्त चलता गया और पता नहीं कब ऐसे दोस्त बन गए जैसे इनके बगैर अब गुजारा नहीं। स्टार्टिंग में तो दिल नहीं करता था कि स्कूल जाए, रोज बहाने आज छुट्टी हो जाए। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता स्कूल के बगैर दिल नहीं लगता। लो जी, अपनी कहानी के साथ साथ प्याज ब्राउन करके चिकन भून लिया, सारे मसाले डाल लिए और पानी डालकर उबालने को रख दिया। अच्छा तो 6 क्लास में हमारे स्कूल के 5 ईयर्स या शायद 10 ईयर्स भी कंप्लीट हुए थे। बहुत बड़ी सेलिब्रेशन की, उस लम्हात को वर्ड्स पे नहीं बताया जा सकता। 2 महीने तो प्रैक्टिस की थी, फिर जाकर फंक्शन सक्सेसफुल हुआ, बहुत मज़ा आया था। फिर एक दिन आया और ये साल भी ख़त्म हो गया। चलो, साल ख़त्म हुआ तो अपनी रेसिपी भी एंड करते हैं। लास्ट ही दम लगाया, आज शुक्र चावल निकले निकले बने, कलर हल्का आया, बाकी सेट थे। इसी के साथ सबको जुम्मा मुबारक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय।